लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक शिमला में हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और राज्य सरकार के सभी मंत्रियों व विधायकों ने भाग लिया। पार्टी ने लोकसभा चुनाव में मिले भारी जन समर्थन को सदस्यता में तब्दील करने का निर्णय लिया है। बैठक के दूसरे दिन भाजपा सदस्यता अभियान के सह संयोजक दुष्यंत कुमार गौतम ने विशेष रूप से भाग लिया। उन्होंने बताया कि पार्टी ने हिमाचल में 3,00,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और हर विधानसभा क्षेत्र में 5,000 लोगों को पार्टी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का सदस्यता अभियान 6 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। पार्टी तो हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहती है, क्योंकि हमारा लक्ष्य सशक्त और मजबूत भारत बनाने का है। चुनाव एक माध्यम है, गणना एक माध्यम है, लेकिन हमें राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी हमारी रहती है, इसलिए सारी बातें इसमें समाहित हो जाती हैं। और हम अब सदस्यता अभियान चला रहे हैं। सदस्यता का माध्यम और सदस्यता करने का कारण भी यही है कि एक देश के हर वर्ग के दर हर जाति और समूह के नीचे तक पहुंचना, देश की सारी जन सुविधाएं हैं उसको देना और उसकी समस्याओं का लेकर उसका निदान करना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा संगठन को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। स्वाभाविक रूप से पार्टी की बहुत शानदार जीत हुई है, उस पर हम सब प्रसन्न हैं, कार्यकर्ता प्रसन्न है, पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने, नेताओं ने, सब लोगों ने काम किया और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और अमित शाह जी के नेतृत्व में ये सफलता जो हमको मिली है, इस पर हम सब लोग जो है वो उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि पार्टी के लिए एक एक सदस्य महत्वपूर्ण होता है और सदस्यों से ही पार्टी बनती है। सदस्यों के कारण ही बल मिलता है संगठन को, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बैठक यही है, इसलिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इसके लिए आए हैं। कार्य समिति की बैठक में भाजपा के सभी जिलाध्यक्षों ने भी हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News, शिमला।